अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, पहले जाएंगे लोनावाला, वहाँ पे हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मैप्रो गार्डन, वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी है वो लेंगे, लंच वहीं पे करेंगे मैप्रो गार्डन में, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे पुणे के लिए। पुणे में हम लोग जाएंगे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा के दर्शन करने, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे जू है, गार्डन्स है, कुछ घूमेंगे। और हम लोग आज स्टे करने वाले पुणे के अंदर ही, एक बढ़िया होटल मुझे मिली है, बड़ी प्रॉपर्टी और डिस्काउंटेड रेट में मिली है, तो बने रहिएगा वीडियो में, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से क्योंकि टाइम हो रहा है 10:30 और भूख जोरों की लगी है बॉस। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए मैप्रो गार्डन, अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, ट्रैम्पोलिन में उछल उछल के भूख और बढ़ गई है, तो अंदर जाते फटाफट अपना लंच करते, आपको भी दिखाते हम लोग क्या खाते, उसके बाद थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, शॉपिंग करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे पुणे के लिए। दोस्तों हो गया फाइनली अपना मैप्रो गार्डन घूम के, पूरा शॉपिंग करनी थी वो भी हो चुकी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पुणे के लिए और हम लोग पहले जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद हम लोग जाएंगे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बज गए, तो अभी पुणे पहुँचते पहुँचते यहाँ से मेरे हिसाब से और 1 से 1.5 घंटा और हमको लगना चाहिए, 1/2 घंटा तो पक्का है। तो फाइनली हम लोग आए राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, जो है जू पुणे का। अभी यहाँ पे टाइमिंग है इनका 5:30 तक है इवनिंग का, और एंट्री फीस है 40 रुपीज़ पर एडल्ट और बच्चों का है 10 रुपीज़। अभी जस्ट हम लोग एकदम ऑन टाइम पहुँचे, देखिए 5:25 हुआ है, तो 5 मिनट बाकी थे हम लोग ने एंट्री किया। एक बार एंट्री करने के बाद को 7 बजे तक आपको घूमने देंगे अंदर, मगर एंट्री 5:30 को क्लोज़ कर देते हैं। अभी चलते अंदर, कौन से एनिमल्स देखने मिलते हैं, लेट्स सी।
मैं बहुत जुगुम हूँ इंडिया के अंदर, मगर आउटसाइड फूड छोड़ो, आपको पानी का बॉटल भी मोस्ट प्रॉब्ली अलाउ नहीं करते, क्योंकि कभी किसी ने कुछ एनिमल को खिला दिया उससे उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बॉस यहाँ पे आपको आउटसाइड फूड अलाउड है। और पब्लिक ने जो पेला है अपने घर से डब्बा भर भर के पब्लिक खाना लेके आई है, चद्दर विद्दर बिछा के फुल पार्टी चालू है, और ऐसा नहीं कि एक मतलब भर के पब्लिक है। तो हम लोग ने सांप देखा, हम लोग ने लेपर्ड देखा, हम लोग शेर देखने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बंद कर दिया, और हम लोग ने साउथ बैल देखा, हम लोगों ने घड़ियाल भी देखा। तो फ्रेंड्स, आने के टाइम पे जो सोचा था ना वैसा ही हुआ एक्चुअली में। 6:15 हो रहे, जस्ट अभी हम अंदर से सब लोग को बाहर निकाल रहे, किसी को भी अंदर अलाउ नहीं कर रहे। 6:30 यहाँ पे सब पब्लिक को गेट के बाहर निकाल देते हैं, ऑल्दो हमको गेट से बोला था, गया था 7 बजे तक आप घूम सकते हैं, मगर ठीक है उनका रूल्स है। ऑलमोस्ट हम लोग ने सब जानवर देख लिए, मे बी एक लायन रह गया, वाइट टाइगर, हाथी, मतलब मेन जो बड़े बड़े तो सब रह गए, स्नैक वैक सब देख लिया, जितना दिखा सकता था मैंने अपने व्लॉग में दिखाया है। बाकी है बहुत अच्छा, अगर आप आएंगे पुणे तो एक बार जू विजिट कीजिएगा, बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, चार्जेस मुझे पता नहीं है कितने, अगर बाहर जाऊँगा मैं पूछता हूँ एक बार कितने चार्जेस है, मुझे पता चलेंगे तो वो भी आपको बताऊँगा। बाकी अगर आप ज़्यादा चलना नहीं चाहते इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, जू देखने में तो अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी भर के बनाई है इन लोग ने पूरी, और एनक्लोजर्स भी लंबे लंबे हैं। तो चलिए अभी बाहर जाते हैं, उसके बाद जाएंगे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। बॉस यहाँ पे एक तो पार्किंग फैसिलिटी बहुत लिमिटेड है और बहुत क्राउडेड है, एकदम सिटी के बीच में बना हुआ है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, प्लस पार्किंग फुल है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 बार चक्कर मार चुके, पार्किंग मिली नहीं, फिर जहाँ जगह मिली वहाँ पे लगा दिया है। अभी जाते हैं दर्शन करते हैं, आपको भी अगर मोबाइल अलाउड रहेगा तो दर्शन कराता हूँ, चले डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं अभी आपको। दोस्तों फाइनली अपने दर्शन डन, गर्मी भी उतनी ज़्यादा है, गर्दी भी उतनी ज़्यादा है, मे बी आज संडे है इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम आया था इतना गर्दी नहीं था, मगर आज बहुत रश था, लंबा लाइन लगा हुआ था। अभी अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो अंदर से आपको मैं दर्शन नहीं करा पाया, फिर भी मैंने बाहर से कोशिश की है वीडियो निकालने की, फ़ोटो निकालने की। दोस्तों ये वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, होपफुली आप लोग को व्लॉग में मज़ा आया रहेगा, अगर मज़ा आया रहेगा एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड बाय बाय।